स्वागत करते हैं आपका आपके सपने YouTube चैनल रेल है तो देश है के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अजमेर से लेकर के अहमदाबाद के बीच में पूरा जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का दोस्तों जो अपडेट है उसके बारे में। तो आपको पूरी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में आपको दे दूंगा कि जो पूरा अजमेर से लेके जो दोस्तों जो अहमदाबाद तक जो डबल रेल लाइन है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी जो प्रगति पर है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो अभी दोस्तों कितना हो चुका है और कितना और समय अभी लगेगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं यहाँ पर अजमेर जंक्शन से। तो ये रहा अजमेर जंक्शन। सबसे पहले तो दिल्ली से लेकर के अजमेर तक डबल और इलेक्ट्रिफाइड रेलवे रूट पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। और ये दिल्ली अहमदाबाद मुख्य लाइन यानी कि मुख्य जो मेन लाइन है वो है, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पर अजमेर से अहमदाबाद के बीच में इसका बहुत सारा काम किया जा रहा है, बहुत सारी कड़ियों में। तो यहाँ पर उसकी अपडेट देते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं अजमेर से। ये रहा अजमेर जंक्शन, जैसा कि भी आपको दिख रहा है। अजमेर से दौराई के बीच में ये जो 7 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, यहाँ पर डबलिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीटेड हो गया है और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि पोल्स वगैरह लगा दिए गए हैं और वायरिंग वगैरह का यहाँ पर अभी काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, दौराई से आगे आता है दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये बेंगुर गुरुग्राम, बेंगुर ग्राम हॉल्ट, यहाँ तक ये रेलवे लाइन पूरी तरीके से डबल और इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, यानी कि इसका CRS भी रेलवे द्वारा ले लिया गया है। अब इसके आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो यहाँ पर बेंगुर ग्राम हॉल्ट से आगे गुरिया रेलवे स्टेशन तक जो डबलिंग का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अगर हम बात करें इसके डेडलाइन के बारे में, तो बेंगुर ग्राम हॉल्ट से गुरिया के बीच का जो इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग है उसको पूरी तरीके से सितंबर के आखिरी महीने में निपटा लिया जाएगा। और दोस्तों जो आपको मैंने बताया कि जो अजमेर से दौराई के बीच का रहा ये वाला, अजमेर से दौराई के बीच का जो सेक्शन है, यहाँ पर डबलिंग तो हो गई इलेक्ट्रिफिकेशन, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो यहाँ पर जो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों ही जुलाई के एंड तक पूरे हो जाएंगे, यानी कि अगले महीने में। तो घुरिया तक हमने बात कर ली थी, हम लोग बात करते हैं घुरिया के आगे। दोस्तों घुरिया के आगे हम लोग सीधा अहमदाबाद तक देखते हैं, तो डबल और इलेक्ट्रिफाइड जो रूट है वो पूरी तरीके से तैयार है। इसका CRS भी रेलवे द्वारा पूरी तरीके से ले लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अहमदाबाद तक पूरी तरीके से रूट एकदम डबल और इलेक्ट्रिफाइड तैयार है। अब इसका जो कुछ खंडों में काम रह गया है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बेंगुर ग्राम हॉल्ट से घुरिया के बीच का और अजमेर से दौराई के बीच का ये सेक्शन में भी जो काम है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन सी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक लोको मिल सकता है, तो इस रूट की गाड़ी जैसे हो गई अपनी आश्रम एक्सप्रेस, ये एंड टू एंड चला करती है डीजल लोको के साथ, तो इसको इलेक्ट्रिक लोको मिल जाएगा। और जो दिल्ली से दौराई के बीच में जो दोस्तों जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, उसका अजमेर में दोस्तों जो मान के चलिए उसका भी लोको चेंज नहीं होता था, वो भी पूरा एंड टू एंड डीजल से ही आती थी, तो उसको भी इलेक्ट्रिक लोको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक और गाड़ी है स्वर्ण जयंती राजधानी, जिसका अजमेर में लोको चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल, तो वो भी एंड टू एंड इसी रूट से इलेक्ट्रिक में जा सकेगी। दोस्तों ये थी पूरी अपडेट अजमेर से अहमदाबाद डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर से बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।